हाय एवरीवन, अभी रात के 1 बज रहे हैं, 1:05 हो रहे हैं। एंड मैं थोड़ी देर बेड पे लेटी भी थी सो दैट कि मैं सो जाऊं टाइम से और सुबह जल्दी उठ जाऊं, बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ रात में जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रात में जल्दी नींद ही नहीं आ रही है। 2-2:30 बज जाते सोने में, तो फिर सुबह अल्टीमेटली लेट उठूंगी ही। तो फिर मैंने अपने आप से एक प्लेज भी लिया था और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उठते ही ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेशन टाइप का हो जाता था। तो मैं आज भी लेटी थी, लेकिन मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि अभी टाइम बचा नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरे को पढ़ना भी है। तो अभी मैंने अपने लिए फिर कॉफ़ी बनाया उठ के, एंड नेशनल इनकम की जो नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है वो मैं रिवाइज कर रही हूँ। फिर टाइम भी दिखा देती हूँ। अभी टाइम आज 29th February है एंड रात के 1 बज रहे हैं, थर्सडे है। एंड ये नेशनल इनकम का चैप्टर मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो कॉफ़ी मैंने बोली थी ये है वो कॉफ़ी, एंड पेन रखा है, क्लचर रखा है और सारी नोट्स है, तो इसको रिवाइज करते हैं। टुडे इज 29th February, कल 1 मार्च हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में मोटा मोटा 85 डेज बचा है। अब इन 85 दिन में सिर्फ दो काम करना है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। तो इस टाइम सभी की तरह मैं भी बस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज कर रही हूँ और स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर रही हूँ, एंड फिर मॉक टेस्ट दे रही हूँ और अपने वीक एरियाज को और स्ट्रॉन्ग एरियाज को फिगर आउट करने में लगी। और मुझे पता है कि आप सब लोग भी अपने मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे, और इसी प्रोसेस में आपको मैं एक मॉक टेस्ट के लिए बुक सजेस्ट कर रही हूँ। ये है दिशा पब्लिकेशन की 101 स्पीड टेस्ट फॉर न्यू पैटर्न यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर 1 विद 2 मॉक टेस्ट। सो लेट्स सी द फीचर ऑफ दिस बुक। दिस बुक इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 92 टॉपिकल टेस्ट, पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ 9 सेक्शनल टेस्ट, एंड पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ 2 फुल सिलेबस प्रीलिम्स स्टाइल टेस्ट। इस बुक में कंप्लीट जीएस पेपर 1 के सिलेबस को 9 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और फर्दर 92 टॉपिक्स में भी डिवाइड किया गया है। इस बुक में यूपीएससी के नैप पैटर्न के एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एंड उसी के साथ साथ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एंड मैचिंग एंड असर्शन एंड रीजन टाइप वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड इन दिस बुक ईच टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्मॉल टॉपिक्स एंड कंटेन्स अराउंड 20 MCQs ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। इन ऑल द बुक कंटेन्स 2,220 क्वालिटी MCQs एंड MSQs इन द फॉर्म ऑफ 101 टेस्ट्स। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि एट द एंड ऑफ एवरी टेस्ट देयर इज OMR सीट, दैट इज रिस्पॉन्स ग्रेड। मतलब आप उस रिस्पॉन्स ग्रेड को फिल करके एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। By solving all the MCQs, you will improve your speed, followed by your strike rate, which will eventually lead to improving your score in the prelims examination. And there is one more book, Super 10 New Pattern Mock Test for Prelims IAS. This book contains 10 mock tests with solutions. The questions in the mock test are based on PYQs, SS government policies and schemes, and the newly designed MCQs are based on latest trends. And this book definitely help to improve your score in the prelims by 15-20%. And the Super 10 mock test is also available in Hindi. After all, prelims preparation is all about solving the mock test, handling the pressure and scoring better and better.
ओके, तो आप भी इस बुक को खरीद सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो गो एंड बाय द बुक एंड सॉल्व योर मॉक टेस्ट एंड डू लेट मी नो कि आपका मॉक टेस्ट कैसा जा रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी जाके चेक करो। तो अभी 2:23 हो रहे हैं और एंड आई एम थिंकिंग टू स्लीप फॉर 2 to 2.5 hours। और मैं आज इतना सोई हूँ ना, सोई हूँ क्या बताऊँ। टाइम देखो 12:20 पे मेरी आँख खुल रही है। और सचू मैंने अलार्म तो सिर्फ 4 बजे का ही लगाया था कि मैं 1 घंटे सोऊंगी बस, एंड मेरी आँख अभी खुल रही है। बट कोई नहीं, अभी मैं चलती हूँ फटाफट से, ब्रश वगैरह करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, फिर बैठ के पढ़ती हूँ। क्या पढ़ना है? अभी मैं पी रही हूँ चाय और आराम से चाय बैठ के पी लूँगी, थोड़ी देर से फ़ोन भी चलाऊँगी और इसके बाद फिर पढ़ने बैठूँगी। अभी लाइट चली गई है, रूम में अंधेरा हो गया है, तो मैंने भी ब्रेक ले लिया।
एंड मुझको भूख लगी है नीचे से बहुत सारी आवाज़ भी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच, क्योंकि मेरे पास कल रात की पनीर रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ सैंडविच बनाऊँ और खाऊँ। और एक बात बतानी थी, पता है पढ़ते वक्त आज कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर के पीछे से ना सर समझ ही नहीं रहा, लाइक ऐसे गिर जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। मुझे लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, बिकॉज अभी ना शाम के 3:30 हो रहे हैं, हाँ, और सिर्फ चाय ही पिया है, तो आई थिंक दैट्स वाई, इसी वजह से मैंने ब्रेड भी मंगा लिया है कॉल करके, ब्रेड आ रहा होगा एंड अब सैंडविच बनाएंगे, उसको खाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। एंड अभी मैं रिविज़न कर रही हूँ एंसेंट हिस्ट्री का, मतलब अभी कुछ दिन पहले उसकी क्लासेस हुई हैं, बट स्टिल आई थिंक कि आई थॉट कि एक बार सारा रिवाइज कर लेती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो मतलब सही रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ रख लिया है, ब्रेड, चीज़, केचप, बॉटल, थोड़ा सा नमक, एंड वो जो शाम की पनीर की बात मैं कर रही थी वो, तो अभी यहाँ पे बताते हैं। और मेरा मन कर रहा है ऐसे खूब ज़्यादा बनाने का, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरा सारा टाइम ये खाना बनाने और खाने में ही रह जाए, और मैं बना के आधा जितना खाना होगा मेरे को मैं उतना बना लूँगी और बाकी सारा फ्रिज में डाल दूँगी, सो दैट जब मेरे को दोबारा भूख लगे तो मैं खा सकूँ। एंड इट वॉज़ लाइक ओनली 6-6 ही बन रहा है, और जिस हिसाब से मेरा एपेटाइट है उस हिसाब से ठीक है। और ये ब्लॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इसको बनाती हूँ और इसे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, इससे मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हम जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। पढ़ते रहिए, अच्छा अच्छा खाते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एज आई ऑलवेज से, एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। तो हम मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।